जी गाइज, कैसे आप लोग? आप सभी बढ़िया होंगे, आपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, एक्सरे कोर्स की सीरीज है जिसका पार्ट नंबर है 69, एक्सरे इमेज क्वालिटी। पिछले वीडियो में अपन ने बात क्या की थी गाइज, एक्सरे कॉन्ट्रास्ट की, एक्सरे शार्पनेस की। यहाँ बात करेंगे अपन इमेज क्वालिटी, उसके क्या फैक्टर्स रहते हैं, क्या कौन कौन उसको अफेक्ट करता है, ये बेसिक सपा कवर इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये देखिए गाइज, एक्सरे इमेज क्वालिटी इज द रिजल्ट फ्रॉम एक्सरे बीम पेनिट्रेशन पावर। एक्सरे बीम क्वालिटी किसका रिजल्ट है? जो भी एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर होगी उसका ये रिजल्ट होगा, देखने को मिलेगा इसे। अगर अपन को एक्सरे इमेज क्वालिटी बेटर देखने को मिलेगी, मीन्स वहाँ हायर एक्सरे एब्जॉर्ब हुई है, उसको वहाँ पेनिट्रेशन हुई है, हाई पेनिट्रेशन हुई है। वहीं अगर हाई पेनिट्रेशन नहीं हुई है तो गाइज वहाँ क्या देखने को मिलेगा? अपने को एक्सरे इमेज क्वालिटी बेटर नहीं देखने को मिलेगी। जब अपन एक्सरे इमेज क्वालिटी का कंसेप्ट अपना एक्सरे बीम पेनिट्रेशन पावर से अपन लगा सकते हैं। देन कह रहे हैं कि MS और KVP भी दो ऐसे फैक्टर है जो कि एक्सरे इमेज क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे यहाँ कंसेप्ट आएगा कि हेयर MS रिजल्ट इन नो इलेक्ट्रॉन और फोटोन से। वहीं देखो गाइज, जो भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी MAS, उससे क्या होगा गाइज, कितने अपा प्रोटॉन्स अपने को देने हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स वहाँ निकलेंगे, मीन्स वहाँ फोटोन्स की बात यहाँ की जाएगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन का कंसेप्ट एक बार छोटो गाइज, यहाँ सिर्फ फोटोन्स की बात की जाएगी। कितनी रेडिएशन यहाँ अपने को देखने को मिलेगी, MS मिली एम्पियर, मीन्स कितना करंट अपने को एक सेकंड में देना है, उससे ज़्यादा वहाँ क्या। और उससे क्या होगा गाइज, जैसे अपन करंट को स्विच करेंगे KVP का कंसेप्ट आएगा, और KVP का कंसेप्ट आएगा तो किस स्पीड से पेशेंट के पास जा रहे हैं। देखो गाइज, अपने को अप्रोप्रिएट जो जिस टाइप की अपने को एक्सरे स्टडी करें उस टाइप का, अगर उसके लेवल के अकॉर्डिंग अपन एक्सरे निकाल दें और उसी लेवल के अकॉर्डिंग से आप स्पीड दे रहे हैं ना, मीन्स KVP और MS को आप फैक्टर दे रहे हैं अच्छे तरीके से, तो अपने को क्या होगा, या अपने को एक्सरे इमेज क्वालिटी बेटर देखने को मिलेगी। यही अगर इसको अगर मिसबैलेंस कर दें कि अपने फैक्टर ज़्यादा दे दिया, कहीं अपने उसकी स्पीड को कम कर दिया, या स्पीड ज़्यादा कर दी, एक्सरे कम थे, MS कम था, KVP ज़्यादा कर दिया, तो ये करते हैं तो अपने को फिर एक्सरे इमेज क्वालिटी के अंदर अपने को कॉम्प्रो करना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि KVP रिजल्ट, ये देखो स्पीड का ये कंसेप्ट अपना कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। ये अपन एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं एक्सरे इमेज की, क्या किस तरह अपने को एक्सरे इमेज देखोगे, बैटरी इमेज क्वालिटी देख रही है ना प्रेजेंटेशन। देन कह रहे हैं कि एक्सरे इमेज क्वालिटी साथ में इन्फ्लुएंस होगी कि उस एक्सरे के इमेज की कॉन्ट्रास्ट क्या है, मीन्स उसके अंदर जो डेंसिटीज है उसकी अब्जॉर्प्शन रेट क्या है, मीन्स कॉन्ट्रास्ट वहाँ डेंसिटीज क्या है वो शो करेगा ना। उसके बाद उसकी स्पेशल रेजुलेशन क्या है गाइज, उसके बाद उसके जो डिटेक्टर की परफॉर्मेंस क्या है, नॉइस क्या हुआ है कि नहीं, वहाँ कोलिमेशन क्या है, क्या वहाँ आर्टिफैक्ट वगैरह आ रही है, या फिर उसका जो फोकल स्पॉट साइज है वो कितना है, वो डिस्टेंस उसका कितना है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर फिर अपने को एक्सरे इमेज क्वालिटी बेटर देंगे। देन कह रहे हैं कि अपने को एक्सरे इमेज क्वालिटी को अगर बेटर चाहिए गाइज, तो उसके साथ साथ अपने को एक अलारा प्रिंसिपल भी फॉलो करना है। अलारा क्या होता है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, मीन्स जो भी अलारा प्रिंसिपल को अपने को फॉलो करना पड़ेगा गाइज, मीन्स कि हो सकता है अपन कहीं फैक्टर अपन ज़्यादा दे दें, या डिस्टेंस ज़्यादा दे दें, या फिर प्रॉपर सेलिंग वगैरह ना रखें, तो ये चीज़ें अपने को जो अलारा के तीन बेसिक्स प्रिंसिपल है उनको अपने को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि अपन बेटर इमेज अपन ले पाएँ। अगर अपन अलारा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो ऊपर वाले कंसेप्ट है ये फोकल साइज का हो गया, नॉइस कोलिमेशन आर्टिफैक्ट, ये मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कवर अप हो जाएंगे। देन कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर कोलिमेशन दे रहे हैं तो ये कंसेप्ट ये रहेगा गाइज प्रॉपर कोलिमेशन का, इसको अपने एक अलग से पॉइंट को वहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। जो भी अपने स्कैटरिंग रेडिएशन होगी वो वहाँ कम हो जाएगी अगर वहाँ कोलिमेशन दी जा रही है गाइज, मीन्स अपने को जितना एरिया डिजाइड होगा अब उतने एरिया को आप एक्सपोज करेंगे, उतना एरिया को एक्सपोज करेंगे तो अपने को बेटर अपने को एक्सरे इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ये कंसेप्ट है गाइज, एक्सरे इमेज क्वालिटी का कौन कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, अलारा को अपने को फॉलो करना होगा, कोलिमेशन वगैरह का आप यूज़ करते हैं तो अपने को एक्सरे इमेज क्वालिटी बेटर देखने को मिलेगी। अगर एक्सरे इमेज क्वालिटी बेटर है तो अपने को डायग्नोसिस बेटर देखने को मिलेगा, जो भी पेशेंट आ रहा है उसको रिस्क वर्सेस बेनिफिट के ऊपर उसका जल्द से जल्द ट्रीट किया जाएगा, मीन्स उसका जो भी इलाज रहेगा, ट्रीटमेंट होगा, जो भी फॉलोइंग प्रोसीजर होगा, जो भी फर्दर आगे उसका स्टडी वगैरह होगी वो आगे फिर कंडक्ट की जाएगी। वहीं अगर एक्सरे इमेज क्वालिटी बेटर नहीं है तो वहाँ हो सकता है कहीं जब एक्स की जगह वहाँ वाई लिख दे, वाई की जगह वहाँ एक्स दे अपने को दिखिए, तो उस कंसेप्ट में फिर अपने को मिस डायग्नोसिस होगी और उसमें पेशेंट को भी दिक्कत होगी और जो भी हॉस्पिटल होगी, जो भी ये बॉडी होगी उसको भी ये दिक्कत अपने को देखने को मिलेगी। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप अपनी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो, वाई इंडेक्स नोट पास स्टडी कर सकते हो।